हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अलग तरह का रेसिपी। अक्सर हमारे घरों में दाल चावल बच जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि उसे किस तरह से बनाकर खाया जाए, तो उसी दाल चावल का हम बनाएंगे दाल का तड़का और चावल का पुलाव। बहुत ही झटपट बनके रेडी होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड तेल। आप इसके जगह घी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर रिफाइंड तेल गर्म अच्छी तरह से हो गया तो इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे और यहाँ पर हम खड़ा गर्म मसाला लिए हुए हैं। लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची डाल सकते हैं। गरम मसाला डालने से इसमें पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। इसको हल्का सा हमें भुनना है। जो प्याज है इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसे भुन लिया है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं। तो हमें इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है। तो प्याज को भून लिए बहुत अच्छी तरह से, इसमें आप डालेंगे हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, दरदरा पेस्ट तैयार करके इसमें हम डाले हैं। इससे जो फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। तो इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है 1 से 2 मिनट। अब यहाँ पर डालेंगे हम पनीर, छोटे छोटे पनीर को पीसेस में कट कर लिए हैं और इसको भी डालकर हमें 1 से 2 मिनट इसे भून लेना है। पनीर को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा हमें पनीर को भून लेना है। अब इसमें हम डालते हैं टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर भी इसमें हम डाल देंगे और इसको भी हम डालकर अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो इसके जगह आप मटर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर हम डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार और डालकर हमें इसे 1 से 2 मिनट और पकने देना है ताकि जो टमाटर हल्का सा पक जाए, बहुत ही अच्छे तरह से कुक हो जाता है टमाटर। तो 2 मिनट हो गया है, अब ढक्कन को हटाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से एकदम पक गया है। अब यहाँ पर हम 2 हरी मिर्ची डाल रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 1 हरी मिर्ची डालिए, तीखा कम रहेगा और आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से खाएंगे। अब यहाँ पर हम डालते हैं 2 कटोरी चावल, ये पका हुआ चावल है दोस्तों। इसको हम डालकर इसे हल्का सा 1 से 2 मिनट और भून लेंगे हम। बहुत ही अच्छा, एकदम टेस्टी, एकदम बन के रेडी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, एकदम किसी पुलाव से कम नहीं है ये, बहुत ही अच्छा एकदम लगता है। इसमें थोड़ा सा और नमक हम डालें और इसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं फूड कलर। फूड कलर डालने से इसमें कलर बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे में भी बहुत अच्छा पुलाव लगता है। अब ये पुलाव रेडी हो गया है। अब उसी कढ़ाई में हम बनाएंगे दाल का तड़का। अब इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच सरसों तेल। ये तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हम डालते हैं काला सरसों। अब यहाँ पर हम 2 सूखा लाल मिर्चा डालेंगे, 2 से 3। अब ये मिर्चा जो अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें हम डालते हैं प्याज। प्याज को हल्का सा हम भुनेंगे, थोड़ा सा इसे हमें गोल्डन कलर कर लेना है दोस्तों। प्याज का जो प्याज है बहुत अच्छी तरह से एकदम पक जाएगा तभी अच्छा लगेगा। तो अब इसमें हम लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दे रहे हैं और इसको भी 1 से 2 मिनट हमें भून लेना है। तो प्याज को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम पका लिया है और इसमें हम डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, यानी बहुत ही हम कम हल्दी पाउडर डालेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल रहे हैं जीरा पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सभी चीज़ें डालकर हमें 1 मिनट भून लेना है। थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं दाल। दाल को भी हम बहुत अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट पका लेना है। दाल भी हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया एकदम तड़का जैसा बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत एकदम बढ़िया से एकदम पक गया है। तो ये झटपट हमारा तड़का और पुलाव बनके रेडी हो गया है। बहुत ही कम समय में और झटपट बनने वाला ये रेसिपी है। हमारी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।